डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, रघुवंश बाबू ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर यूपीए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की शिकायत की और उन्हें गरीब विरोधी बताया। तब के प्लानिंग कमीशन चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया उस मंत्री का संदेश लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह के पास पहुंचे और कहा, मंत्री जी आपकी चिट्ठी से नाराज़ हैं और चाहते हैं आप उनके साथ गाँव में चल रहे विकास कार्यों को देखने चलें। जवाब में रघुवंश बाबू बोले, नहीं, मंत्री जी को मेरे साथ उत्तरी बिहार के एक ऐसे गांव में चलकर 3 रात बितानी चाहिए जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची, तब उन्हें समझ में आएगा कि देश के किसी गांव में रहना क्या होता है। कुछ ऐसे समाजवादी विचार के थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के एक बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने रविवार 13 सितंबर को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। देश की आज़ादी से पूर्व 6 जून 1946 को वैशाली जिले के शाहपुर में जन्मे रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुजफ्फरपुर के बिहार यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रखी थी। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया। प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर सिंह ने नौकरी भी की और इस दौरान आंदोलनों में भी शामिल हुए। पहली बार 1970 में टीचर्स मूवमेंट के दौरान जेल गए। जब कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए तो 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान फिर से जेल गए। 1984 में इमरजेंसी के समय सीतामढ़ी में छात्रों के आंदोलन को स्थानीय कॉलेज प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ही लीड कर रहे थे। इस दौरान वो 3 महीने के लिए जेल गए। 1977 में आपातकाल हटने के बाद जब नए सिरे से चुनाव हुए, रघुवंश प्रसाद सिंह को सीतामढ़ी की बेलसंड सीट से टिकट मिला। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और रघुवंश बाबू 6000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए। बिहार के 324 विधानसभाओं में से 214 सीटों पर जनता पार्टी की जीत हुई। मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार थे, सत्येंद्र नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर। 33 राजपूत विधायकों में से 17 ने पिछड़ी जाति से आने वाले कर्पूरी ठाकुर का समर्थन किया। उनमें से एक डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया। बेलसंड सीट से उनकी जीत का सिलसिला 1977 से 1985 तक चलता रहा। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू यादव का साथ दिया। यहाँ से लालू यादव और उनके बीच करीबी शुरू हुई। कुछ दिनों पहले लालू यादव को लिखी चिट्ठी में जब रघुवंश बाबू ने लिखा, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा था, वो इसी दोस्ती का जिक्र कर रहे थे। 1990 में रघुवंश प्रसाद सिंह विधानसभा चुनाव हार गए तो लालू यादव ने उन्हें विधान परिषद भेज दिया। 1995 में वापस विधानसभा पहुँचे तो लालू मंत्रिमंडल में दोबारा ऊर्जा मंत्री बनाए गए। रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में वैशाली से लोकसभा चुनाव जीते। 1996 से 1998 के बीच केंद्र में उठापटक चलती रही। रघुवंश प्रसाद देवगौड़ा सरकार और गुजराल सरकार में मंत्री बने। 1999 में जब लालू यादव को शरद यादव ने मधेपुरा से लोकसभा चुनाव हरा दिया तो रघुवंश प्रसाद को राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया। कहा जाता है कि अटल बिहारी की सरकार में एनडीए के सांसद ये कहा करते थे कि विपक्ष के नेता भले ही सोनिया गांधी हों, लेकिन सरकार को घेरने में रघुवंश बाबू सबसे आगे रहते हैं। 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा रघुवंश प्रसाद सिंह के पास आया। 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा लागू की गई। रघुवंश प्रसाद सिंह मनरेगा के आर्किटेक्ट भी कहे जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार के बड़े मंत्री जैसे कि पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी मनरेगा को सरकार पर बोझ बढ़ाने वाला समझते थे। कहा जाता है कि एक दोपहर सोनिया गांधी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से गुजर रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह उनके पास गए और मनरेगा में हो रही देरी के बारे में बताया। उसी वक्त सोनिया गांधी ने GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और कुछ ही दिनों में देश के 200 जिलों में मनरेगा लागू कर दिया गया। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार के जिस योजना की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो यही मनरेगा है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता बचाने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आई उनमें से एक मनरेगा ही है, लेकिन इसका श्रेय रघुवंश प्रसाद सिंह को नहीं मिला।
2009 में राजद ने कांग्रेस से अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़ा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव के इस फैसले का विरोध किया और राजद को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। बिहार में राजद की सीट 22 से घटकर 4 पर आ गई। राजद ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह पहले की तरह रघुवंश सिंह को फिर से ग्रामीण विकास मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन RJD सरकार में शामिल नहीं हुई। रघुवंश बाबू को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद शायद राजद के एक अकेले ऐसे नेता थे जो खुलेआम लालू प्रसाद की आलोचना कर सकते थे। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया वो लालू प्रसाद की उपलब्धियों को कैसे आंकते हैं। जवाब में रघुवंश प्रसाद ने कहा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लालू यादव को 10 में से 10 नंबर देंगे, लेकिन एक प्रशासक के रूप में वो 0 से अधिक नंबर के लायक नहीं हैं। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने तो राजद नेता शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री करार दिया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने शहाबुद्दीन की इस बयान से सहमति जताई और यहां तक कह दिया कि उनकी बिना सहमति के चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को महागठबंधन में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया था। 2014 के बाद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह लोकसभा नहीं पहुंच पाए। 2020 के जून में उन्हें कोरोना हुआ, पटना एम्स में भर्ती हुए और इसी दौरान उन्होंने राजद उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। 10 सितंबर को लालू यादव के नाम चंद शब्दों का एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने राजद भी छोड़ दिया। कहा जाता है वो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक लोटा पानी वाले बयान से आहत थे। 13 सितंबर को डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। रघुवंश प्रसाद सिंह दो भाइयों में से बड़े थे। उनके छोटे भाई रघुराज सिंह का पहले ही देहांत हो गया है। धर्मपत्नी जानकी देवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। दो बेटे और एक बेटी है। परिवार में उनके अलावा कोई और राजनीति में सक्रिय नहीं है।